बचा के चलिएगा बचा कर। इस बंदे का तीन औरत है, पता नहीं कैसे हैंडल करता है। Have any GF girlfriend have? कितना पानी ठंडा है? बहुत ठंडा है। सो गाइस अभी टाइम हो गया 6:10 और हम लोग डाउकी के पास में कौन सा जगह है? स्नोप डैंग। यहाँ पे रुकेंगे। अच्छा भाई बचा के आना, खाइए इधर। ये है स्नोप डैंग, यहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं। बिल्कुल जाने का रास्ता नहीं है। एक्चुअली थोड़ा सा प्लान में चेंज है, डाउकी की जगह पे हम लोग स्नोप डैंग रुक रहे हैं क्योंकि डाउकी बहुत महंगा है। तो आप सभी व्यूअर्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि स्नोप डैंग में रुकें, ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सस्ता है, लगभग 1/2 टाइम्स सस्ता है ये डाउकी के कंपेरिजन में। तो बेहतर है कि आप स्नोप डैंग रुकें, सेम मजा ले सकते हैं। बगल में है, मात्र 6 किलोमीटर का है, 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो बेस्ट है, स्नोप डैंग इज बेस्ट। सर्टिफिकेट दिखा दो, कोरोना सर्टिफिकेट। हाँ आपको डबल डोज का दिखा देता ना, डबल डोज कोरोना सर्टिफिकेट। सो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ स्नोप टैंक और यहाँ पे हम लोग रुके हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सारी कैंप लगी हुई है और हम लोग यहाँ पे इस 4th कैंप पे बैठे हुए हैं और लाइटें वगैरह तो लगी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का पत्थर है और इसके ऊपर जो लगाया गया है कैंप, इसके ऊपर हम सोएंगे उस 4th पे। अभी कैंप के अंदर दिखा देते हैं। फाइनली यहाँ पे है रिवर नदी और ऊपर दिख रहा पहाड़, दिख तो नहीं रहा है, मैं मॉर्निंग में आपको पूरा दिखाऊंगा। यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है और यहाँ पे बोटिंग वगैरह सारी चीज़ होती है। यहाँ पे भारी भरकम में लोग जुटे हुए हैं और लोग यहाँ पे एज अ टूर घूमने के लिए आए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं बता दूं कि मेरा कैंप ये है और मेरा यहाँ पे सामान रखा हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं बेड काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। और इसका किराया बता दूं तो इसका बोल रहा था 1500 रुपये, लेकिन भाई मैंने भी दिमाग लगा दिया, देना हो तो दो, नहीं तो हम लोग कहीं भी सो लेंगे, ऐसा बोलकर 1000 रुपये में काम को बना लिया। उसके बाद से सारी कैंपें वगैरह लगी हुई हैं, जैसा कि देख सकते हैं इधर भी कैंप है। यहाँ पे एक चीज़ की दिक्कत है, मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था नहीं है, तो मोबाइल चार्जिंग व्यवस्था वहाँ पर मैंने वहाँ से मोबाइल चार्ज कर लिया। सो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ खाने के लिए और जैसा कि देख सकते हैं ये चिकन चोखा सलाद पापड़ चावल दाल और सेम यहाँ पे। तो खाने में कैसा है भैया स्वाद? ठीक ठाक है, खा सकते हैं, बढ़िया है। तो थाली क्या प्राइस रहा? ये तो नहीं पता, एक थाली काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। अरे बाप रे बाप, ये 200 रुपये की थाली है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो भाई हम लोग सोना खरीद रहे हैं उसके बराबर ये मतलब खाना खा रहे हैं, कुछ इस प्रकार समझिए, बहुत ही महंगा है। A few moments later. बाकी भाई साहब बहुत ही ठंडा पानी है, बड़े भैया जा रहे हैं नहाने और देखिए क्या एक्सपीरियंस रहता है। कितना पानी ठंडा है? बहुत ठंडा है। माइनस में? माइनस में तो बर्फ जम जाए। पर ये गंगा नहीं है। गंगा नहीं है, ये कौन सी नदी का पानी है? कौन से नदी का पानी है? राप्ती? डाउकी डाउकी राप्ती याद आ गया, यूपी का। अरे पत्थर है बचा के। तो भाई साहब देख सकते हैं पानी बिल्कुल साफ सुथरा है, आपको दिखा दूं कि पत्थर भी दिख रहा है। और हाँ एक बात तो कहना चाहूँगा, पिछले ब्लॉग में मैंने हैप्पी न्यू ईयर तो बोल ही दिया, लेकिन एक बार और बोलना चाहूँगा कि आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, जहाँ भी रहें सुखी रहें खुश रहें, गाना गाएं, दूसरों को प्यार बांटें और साथ ही साथ दूसरे की वजह से आप झगड़ा मोल मत लीजिए, आप हमेशा ज़िंदगी में खुश रहिए, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। बाकी भैया तो रिस्क ले लिए, अब मैं भी चलता हूँ नहाने, देखता हूँ क्या एक्सपीरियंस रहता है, मेरे जुबान से सुनिएगा भैया। हाँ जा कोई जानवर तो नहीं है ना?
गुड इस बंदे का तीन औरत है, पता नहीं कैसे हैंडल करता है ना। इसका एक अनदर ब्लॉग रहेगा, तो काफी अच्छा लगा मिलकर आपसे। ठीक है, हैंड शेक हाथ मिला हाथ। अरे वो तो उल्टा दे रहे थंबनेल के लिए, हो जाए थंबनेल करना है। और तुम अपने प्लेस को अगर रेट करना चाहोगे 10 स्टार में से, अपने प्लेस को लाइक कैसा लाइफ है, कितना मजा आता है, तो कितना स्टार दोगे अपने प्लेस को? 10 ना? यस अपने प्लेस को अपने प्लेस की बेइज्जती कभी नहीं करना चाहिए। 10 out of 10। हैव एनी जीएफ गर्लफ्रेंड है? ठीक है बिजी। ओके थैंक यू माय फ्रेंड। ओके वेलकम। ओके सो भाई चेकआउट का टाइम हो चुका है और मैं निकल रहा हूँ यहाँ पे वापस। और फिलहाल यहाँ पे जाने को मेरा मन नहीं कर रहा है, जैसा कि सीन देख सकते हैं भाई, काफ़ी अच्छा सीन है। और आप भी मौका मिले तो प्लीज़ आइए डाउकी में, डाउकी पास एक स्नो टैंक है, यहाँ पे आइए और फुल एंजॉय करिए। अभी हम चलते हैं हैंगिंग ब्रिज पर और वहाँ पे आपको मिलवाते हैं। यह रेस्टोरेंट काफ़ी महंगा है, रात में हमने खाना खाया था यहाँ पे, 200 रुपये थाली। काफ़ी ज़्यादा पानी साफ़ सुथरा है और यहाँ पे देख सकते हैं कि बोटिंग भी हो रही है। और यहाँ पे कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, आई थिंक पर हेड 500 रुपीज़। और पूरे रिवर को आपको घुमाएंगे। और ये है हैंगिंग ब्रिज और मैं चल रहा हूँ हैंगिंग ब्रिज पे, आपका अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा किस प्रकार कैसा है। अभी ये देख सकते हैं कि ये रोपवे का मज़ा लेते हुए, काफ़ी रिस्की है। ये हैंगिंग ब्रिज और काफ़ी डर भी लग रहा है, जैसे ही जैसे एक पांव रख रहा हूँ ये नीचे की ओर दबने लग रहा है। और ये लोहे का, इसका जो बीम दिया गया ये लोहे का है। और ये काफ़ी लेफ्ट राइट मूव हो रहा है। अरे भाई साहब ये तो डर लग रहा है काफ़ी। यहाँ पे कैंपिंग भी लगा हुआ है। और ये नदी जिसका पानी तो बता चुका हूँ साफ़ सुथरा ही है। ओ भाई साहब डर लग रहा है यार, कहीं गिर ना जाए, गिरे तो सीधे। विश्वसनीय तो है फिर भी फर्स्ट टाइम है तो डर लग रहा है। बाकी अभी देख सकते हैं एक जो है अभी रोपवे का मज़ा लेते हुए बीच में अटक गई है लड़की, तो अभी मैं दिखा दूं, ये बीच में अटक गई है और धीरे धीरे जा रही है। ओ जा रही है, बहुत सही। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और काफ़ी भूख लगा, अंडा का ब्रेकफास्ट करेंगे। खाने पीने का उतना सही नहीं है, बस काम चल रहा है। काम चल रहा है ना, काम चलाऊ है। यहाँ पे इसका कितना प्राइस हो जाएगा?
कम से कम 30 रुपये पर अमलेट होगा, पर अमलेट 30 रुपये, और इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं, बस अमलेट और थोड़ा सा प्याज दिख रहा है। तो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं मंगट रिवर, डाउकी रिवर भी बोलते हैं इसको, डाउकी रिवर से ही फेमस है। और यार बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब बोटिंग करने के लिए लोग इतने ज़्यादा उतारू हैं, आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो मुझे लगता है कि बोट में बैठने में ही आधे घंटे से ज़्यादा लगने वाला है यार, और समय की बहुत ही किल्लत है। तो अब करने तो आए थे, तो सोच तो रहे हैं करके ही जाएं, बाकी देखो आगे बने रहो वीडियो में, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इस तरह का यहाँ पे कुछ नज़ारा है, काफ़ी खुला खुला है और पानी का लेवल काफ़ी कम है यार, है ना, पर ठीक है, गहरा बहुत है इसलिए जो है सही है, बहता पानी तो नहीं बोलेंगे, बिल्कुल ये स्थिर पानी है, जैसे तालाब का पानी होता है उस तरह का, पर सही है यार, लोग मज़े कर रहे हैं, तो वाइब्स आ रहा है कि हमें भी करना चाहिए। ठीक है बाकी आगे बताते हैं भाई, ऐसा है नज़ारा यहाँ पर और हम करवा रहे हैं फोटोग्राफी। ठीक है, मतलब भाई तो बोल रहा था 30 रुपये में एक फ़ोटो, पर मैंने बोला भाई देख ले 100 रुपये में अगर 10 फ़ोटो खींच सकता है तो बता, भाई एग्री कर गया और अपन खिंचवा रहे हैं। सही है यार, मतलब ठीक है, अब 10 रुपये भी ज़्यादा हैं पर ठीक है, उतने उतना कैमरा ले रखा है तो सही है। और ऐसा कुछ नज़ारा डाउ के पानी का लेवल काफ़ी कम है यार, और बोटिंग के लिए फिर भी बहुत बड़ी लाइन है, तो अपन ड्रॉप करें इस आइडिया को, क्योंकि वजह बड़ा साफ है, 4 लोग जाएंगे तो 800 रुपये, मतलब 200 रुपये पर पर्सन, और 2 लोग जाएंगे तो भी 800 रुपये, मतलब 400 रुपये पर्सन, और ये रेशियो क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ तो मुझे समझ नहीं आया, तो इसलिए इस वजह से मैं जो है इसको कैंसिल कर रहा हूँ भाई, जो एक्सेप्टेबल नहीं उसको करेंगे क्यों, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, बात खत्म।